एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है वो है एक कप बेसन से इंस्टेंट बनने वाली बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी स्वीट की रेसिपी, जिसको आप झटपट से बिना मावा, बिना चाशनी और बिना मिल्क पाउडर के बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और आप लोग भी ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग जार। इसमें मैंने लगभग 300 ग्राम चीनी ली है। आप किसी कटोरी वगैरह से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और साथ में ही मैंने यहाँ पर 3 इलायची डाल दी है फ्लेवर के लिए, क्योंकि मिठाई में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने इलायची जरूर से डाली है। और साथ में ही मैंने कुछ काजू और बादाम को भी काट के लिया है, उनको भी हम डाल देंगे और इन सब का एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पाउडर बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और जार हम खाली कर लेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर पाउडर आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं बनाना है। अब हम उसी जार में आधा कटोरी डेसिकेटेड नारियल लेंगे, जो कि मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है। और अगर आप इसको घर पे बनाना चाहते हैं तो नारियल के ऊपर का ब्लैक वाला छिलका हटा के आप इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने डेसिकेटेड नारियल के साथ यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया है। अब हम डेसिकेटेड नारियल और दूध को हल्का सा चर्न कर लेंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जो कि मिठाई में बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से आप इसको हल्का सा चर्न कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी गुठली वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेसन को मैंने छान लिया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, जिसमें मैंने 3 चम्मच देसी घी डाला है और अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। यहाँ पे हम आग का मीडियम हल्का रखेंगे और बेसन को हल्के से भून लेंगे। तो आज मैं ये रेसिपी बिना मावा, बिना चाशनी और बिना मिल्क पाउडर के बनाऊंगी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिल्क और घी का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बेसन तो है ही फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच घी और एक्स्ट्रा डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेसन सूखा सूखा सा लग रहा था। तो आप लोग देख सकते हो बेसन हल्का सा रोस्ट हो चुका है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई थी। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चीनी, इलायची और काजू बादाम का पाउडर बना के रखा था, उसको डाल देंगे। और अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं। मेरे घर पे बहुत मीठा खाया जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस पाउडर और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे जो नारियल और दूध को हमने चर्न करके रखा था। अब हम जार में हल्का सा पानी डाल के उसको धुल के डाल देंगे, ताकि जो भी नारियल और दूध इसमें चिपका रह गया हो वो साफ़ हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इस मिठाई बनने की पूरी प्रोसेस में गैस के फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो ये तली में बहुत जल्दी चिपकने लग जाता है, क्योंकि इसमें चीनी पड़ी है, इस वजह से ये तली में बहुत चिपकता है। तो अब हम इसको लगभग 10 से 15 मिनट लो आग पे पकाएंगे, तब जाके ये पेड़े बनने की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगी है। तो इसी तरीके से ये हल्का हल्का गाढ़ा होते होते बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, जिसके बाद पेड़े बहुत आसानी से बन जाएंगे। और अगर आप मिठाई को जमाना चाहें, पीस बनाना चाहें, तो भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे, ताकि ये तली में चिपके ना और मिठाई हमारी एकदम से साइनी साइनी सी बन के तैयार हो। तो अगर आप कोई सी भी मिठाई बना रहे हैं तो इस स्टेज पे थोड़ा सा घी डाल दीजिए, जिससे मिठाई में बहुत ज़्यादा साइन आ जाती है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे हम करछली को अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि तली में चिपके ना। तो आप लोग देख सकते हो ये तली छोड़ने लग गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट आ गई है। तो अब हमने गैस ऑफ कर दी है और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक प्लेट में और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था फ़ैन के नीचे, जिसके बाद आप लोग देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे इसके पेड़े, जिसको बनाने के लिए मैंने हथेलियों पे हल्का सा घी लगा लिया है ताकि पेड़े हमारे चिपके ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक टुकड़ा तोड़ा है और इस तरीके से हम पहले इसकी बॉल बनाएंगे और उसको प्रेस करके इस तरीके की डिज़ाइन दे देंगे। आप किसी भी डिज़ाइन में पेड़े बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में पेड़े बनाए हैं। तो इस तरीके से हम इसकी साइड्स को भी एकदम से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें एक छोटी सी डिज़ाइन देंगे, आप कोई सी भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया एक नाइफ और इस तरीके से इसमें क्रॉस लगा लेंगे, जिससे हमारा पेड़ा देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे इनकी डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए मैंने काजू और बादाम को इस तरीके से कट कर लिया था और इस तरीके से हम इसमें लगा देंगे। डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने सारे पेड़े को डेकोरेट कर दिया है। तो आपको ये स्वीट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।